सुप्रभात बच्चों, आज मई की 29 तारीख है, दिन शुक्रवार है। आज हम पांच संदेह का सारांश जानेंगे, क्योंकि कल अगर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कल मैंने पांच संदेह के लेखक जयशंकर प्रसाद की जीवनी और भाषा शैली के बारे में बताई थी। आज हम कहानी का सारांश बताने जा रहे हैं। इस कहानी में मूलतः पांच पात्र हैं, रामनिहाल, श्यामा, मनोरमा, मोहन बाबू और ब्रजकिशोर, जिसमें अगर हम प्रमुख पात्र के, मुख्य पात्र के चयन की चर्चा करें तो रामनिहाल ही इसका मुख्य पात्र होता है, क्योंकि प्रथम सत्र के अनुसार मुख्य पात्र का चयन का आधार यह है कि जिस व्यक्ति से, जिस पात्र से कहानी की शुरुआत और कहानी का अंत हो, साथ ही वह संपूर्ण कहानी में छाया हुआ हो, उसे हम मुख्य पात्र कहते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार मुख्य पात्र वह होता जिसके द्वारा लेखक उसके इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं का निर्माण करता है। और तीसरी शर्त यह होती कि जिस पात्र के द्वारा लेखक उस कहानी का उद्देश्य प्राप्त करा सकता है, वह कहानी का मुख्य पात्र होता है। इस कहानी में चूंकि रामनिहाल से ही कहानी की शुरुआत और रामनिहाल से ही कहानी का अंत होता है, इसलिए रामनिहाल ही इस कहानी का मुख्य पात्र होगा। दूसरे शर्तों के अनुसार क्योंकि रामनिहाल संपूर्ण कहानी में छाया होता है, प्रत्येक घटनाओं के साथ इसका संबंध होता है, यानी यूं कहें कि इसी के इर्द गिर्द घटनाएं घूमती हैं, इसलिए दूसरे शर्त भी पूरी होती है। और तीसरे शर्त के अनुसार क्योंकि रामनिहाल के द्वारा ही महान छायावादी लेखक जयशंकर प्रसाद इस कहानी के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, इसलिए तीसरी शर्त भी इन्हीं की ओर मुहर लगाती है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि रामनिहाल एक महत्वाकांक्षी युवक था। महत्वाकांक्षी, जिसे अंग्रेजी में एम्बिशियस कहते हैं, वही था। महत्वाकांक्षा जब मनुष्य के सिर पर आ जाती है तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी हद तक जा सकता है, और उस हद तक जाने में वह यह नहीं सोचता कि लक्ष्य प्राप्ति का उसका मार्ग सही है या गलत। जब ऐसा हो जाता है तब उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। हालांकि जीवन में मनुष्य को महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए। जब तक महत्वाकांक्षी नहीं होगा, जब तक एम्बिशियस नहीं होगा, तब तक वह अपने लक्ष्य को, उसके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने का जुनून पैदा नहीं होगा, उसके अंदर पैशन पैदा नहीं होगा। इसलिए महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी मनुष्य को बर्बाद कर देता है। अति महत्वाकांक्षी होने पर मनुष्य के का विवेक मर जाता, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती और वह निर्णय नहीं कर पाता कि जिस मार्ग के द्वारा वह लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वह सही है या गलत। और इसीलिए रामनिहाल की महत्वाकांक्षा थी तो महत्वाकांक्षा ही, लेकिन इसे हम अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहेंगे, क्योंकि इसने जो लक्ष्य प्राप्ति का तरीका बनाया वह गलत था। यहां हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे कि रामनिहाल
श्यामा से प्रेम करता था, जो एक विधवा नारी थी जिस घर में वह नौकरी करता था, लेकिन श्यामा उससे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ मनोरमा रामनिहाल से प्यार करती थी, लेकिन रामनिहाल उससे प्यार नहीं करता। इस संपूर्ण कहानी में संदेह ही संदेह, प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठने वाला संदेह ही दिखाई पड़ता है। तो आगे चले, रामनिहाल एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह अपने जीवन में सफलता और उन्नति पाना चाहता था, इसलिए वह हमेशा नौकरी के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था। एक दिन रामनिहाल पटना में बाबू ब्रज की तोड़ के यहां पहुंचा। उन्होंने इसे नौकर रख लिया और यह वहां नौकरी करने लगा। लेकिन नौकरी करने के क्रम में इसके मेहनत, त्याग और लगन ने सबों का दिल जीत लिया। यद्यपि ब्रज किशोर बाबू एक सुशिक्षित और सज्जन व्यक्ति थे, वो भी अपने नौकर को कभी नौकर नहीं समझते थे। यहां वह बहुत खुश था, परंतु एक बार उनके एक संबंधी आए जिनका नाम मोहन बाबू था। वे बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, परंतु विश्वासघात और मानसिक उत्तेजन के द्वारा कभी कभी उत्तेजित हो जाते थे और पत्नी को अब तब भी बोल देते थे। मानसिक उत्पेड़न और विश्वासघात यह थी कि उनकी पत्नी को ब्रजकिशोर बाबू अपने मोह के भ्रम जाल में लेकर उसे इस बात पर राजी कर दिया था, उन्होंने उसे इस बात पर राजी कर दिया था कि वह किसी तरह मोहन बाबू को पागल घोषित कर दे और मोहन बाबू की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसे बना दे, तो वह उससे शादी कर लेगा। लेकिन यह झूठ था, यह विश्वासघात, और यही विश्वास इसी मोहजाल में फंसकर मनोरमा मोहन बाबू को पागल बनाने में लग गई। वास्तव में ब्रजकिशोर उनको अदालत में पागल प्रमाणित करके उनकी संपत्ति का प्रबंधक बनना चाहते थे। मोहन बाबू की पत्नी मनोरमा इस संबंध में रामनिहाल की सहायता चाहती थी, क्योंकि इस समय मनोरमा और मोहन बाबू दोनों ही ब्रजकिशोर बाबू के यहां पटना आए थे। रामनिहाल श्यामा नामक एक विधवा के यहां आकर रहने लगे थे, जिसे अपने बच्चों एवं भगवान पर बहुत विश्वास था। किसको? श्यामा को। उसे देखकर रामनिहाल को विश्वास हो गया था कि वह एक ऐसी स्त्री है जिसका अपनी वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी किसी भी यों तो इच्छा को ही वासना कहा जाता है, लेकिन वासना इसलिए कहा जाता है, अगर वह इच्छा सद्गुणों से भरी हुई होती तो वह सुवासित कर देती है, और अगर दुर्गुणों से भरी हुई होती है तो वह वासना मनुष्य को कुवासित कर देती है। मनोरमा के अनेक पत्र आए थे जिसमें उसने सहायता के लिए रामनिहाल को बुलाया था। रामनिहाल मनोरमा से प्यार नहीं करता था, पर उसे ऐसा लगता था कि मनोरमा उससे प्यार करती है। ऐसा उसे मनोरमा के व्यवहार से प्रतीत हुआ था। रामनिहाल श्यामा के घर से जाना नहीं चाहता था, परंतु कर्तव्य बुला रहा था। उसने संदूकों में पत्रों के बंडल को बिना खोले ही रख लिया और एक चित्र निकालकर देखने लगा। उसकी आंखों से चपचप आंसू बहने लगे, क्योंकि वह श्यामा की उस दीनहीन दशा पर, जो जवानी में ही वैधव्य का बोझ ढो रही थी, उसे देखकर इसका हृदय हमेशा दुखी हो जाता था और हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहता था। यहां तक कि वह हिंदू संस्कृति में व्याप्त विधवा उत्पीड़न नियम को भी कोसता था, क्योंकि वह समझता था कि विधवा होने में किसी स्त्री का कोई कसूर नहीं होता, और जब स्त्री का कोई कसूर नहीं होता तो विधवाओं को
दंड क्यों मिले। उसे श्रृंगार करने, अपने मनचाहा भोजन करने, अपनी इच्छाओं के अनुसार घूमने फिरने की आजादी क्यों नहीं मिले। क्योंकि वह देखता था कि श्यामा सूत अपने हाथ से खाना बनाती थी, सादा भोजन, सादा निवास और सादा आचरण, यही उसकी दिनचर्या थी। तभी जब बच्चों ने राम निहाल को रोते हुए देखा तो उन बच्चों में से बड़ी बच्ची जो किशोरी थी उसने भाभी भाभी चिल्लाकर श्यामा को निहाल बाबू के रोने की बात बताई। तुरंत ही श्यामा वहां आ गई और रोने का कारण पूछने लगी। उसने राम निहाल से इतने दुखी होने और अपने द्वारा किए गए किसी अनजान अपराध के बारे में जानना चाहा। यानी वह सोचने लगी कि शायद इन्हें इस घर से कोई क्लेश हुआ है, यानी इस घर में इन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ हुई है, इस घर के लोगों ने शायद इन्हें कभी अपमानित किया है, यह सोचकर वो रो रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने श्यामा ने उनसे कहा कि इस घर के लोगों द्वारा आपका कभी कोई अपराध हुआ है क्या। राम निहाल ने बताया कि यह उसकी अपनी भूल है और माना कि प्रायश्चित का यह तरीका ठीक नहीं था। सुनकर समय की नजाकत वह गंभीरता देखकर श्यामा ने किशोरी को धूप में पड़े कपड़े देखने के लिए भेज दिया और राम निहाल ने अपने जीवन और नौकरी करने के ढंग को यायावर बताया। यायावर यानी वह जाति, वह समुदाय जो पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है उसे यायावर कहते हैं। और राम निहाल ने अपनी कहानी में यही बताया, वह भी एक यायावर की जिंदगी जीने को मजबूर है। उसने श्यामा को बताया कि उसको एक दिन नौकरी करते समय ब्रजकिशोर ने उनके यहाँ आए एक संबंधी मोहन बाबू तथा उनकी पत्नी मनोरमा को दशाश्वमेध घाट पर अपने साथ घुमाने ले जाने के लिए कहा। दशाश्वमेध घाट बनारस में है, जो वहां का एक प्रसिद्ध घाट है और शाम में नौका विहार करने में जो आनंद वहां मिलता वह और किसी दूसरे घाट पर कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है इसके लिए भारत में दो ही जगह है, या तो हरिद्वार या बनारस का दशाश्वमेध घाट। उन्होंने अपने न जाने का कारण यह बताया कि उनके पास अभी व्यस्तता अधिक है, काम अधिक है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। और अंदर की बात यह थी कि वो खुद इस अपराध से बचना चाहते थे और राम निहाल के द्वारा अपराध करा के खुद उस मनोरमा की संपत्ति का मालिक बनना चाहते थे। या यूं कहें कि मनोरमा ने ही ब्रजकिशोर बाबू को ऐसा करने की योजना बताई थी। यह सुनते ही मोहन बाबू गंभीर हो गए और मनोरमा ने कहा ठीक है। ऐसा लग जाता जिसे मनोरमा बहुत खुश हो, क्योंकि मनोरमा यह चाहती थी कि किसी तरह राम निहाल उसके साथ जाए और अपने पति को पागल बनाने में राम निहाल उसकी सहायता करे। उन्हें बजरे पर बैठा कर ले जाना था। बजरा यानी बग्गी को कहते हैं। आज का जो रोड पर आप चमचम देखते हैं, चमचम के ऊपर एक घेरा रहता है छाया देने के लिए, उस छाया युक्त चमचम को ही बजरा कहा जाता है। हालांकि यह यूपी की लखनऊ भाषा है। चांदनी रात थी, पैरी से चलकर मोहन बाबू ऊपर बाजरे में आकर बैठ गए, पर मनोरमा को जब लग रहा था पैरी से ऊपर आकर यानी चमचम से उतरकर
जब वो नाव पर गए तो नाव पर चढ़ने के लिए भी जो एक सीढ़ी जैसा सीढ़ी नुमा बना हुआ रहता है, जो नाव चूंकि बिल्कुल किनारे तक नहीं आ सकता, उस पानी में घुसकर तब नाव पर चढ़ना पड़ता है, और उसके लिए नाव में एक सीढ़ी लगी रहती है, तो उस सीढ़ी को पैड़ी कहते हैं। पैड़ी से चलकर मोहन बाबू पर बदले पर आकर बैठ गए। पर मनोरमा को डर लग रहा था, मैंने उनका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया। कभी मनोरमा ने मेरे कान में कुछ उठाया कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, यानी इसे विश्वास हो गया था कि मोहन बाबू कुछ कुछ पागल हैं। और विश्वास नहीं, वह इस बात को राम निहाल के मन में बैठाना चाहता था कि यह पागलों जैसा व्यवहार नहीं करते, पागल है ही। कभी सावधान रहिएगा, हालांकि कोई चिंता नहीं है, यानी यह कहकर राम निहाल के मन में मोहन बाबू के प्रति एक जड़ आशंका और पागलपन की बात भी स्थापित करने की, प्रतिरोपित करने का प्रयास मनोरमा ने किया। मैंने कहा, पर मुझे उसका सुंदर मुख और उसमें से आती सांस याद आती गई। वह जो मनोरमा का हाथ पकड़कर उन्होंने बाजरे पर बैठाया था, मनोरमा का हाथ पकड़कर उस नाव पर बैठाया था, वह मनोरमा के हाथों का स्पर्श उसके काम वासना को जगा रहा था, और वह उन सांसों को जो नाव पर चढ़ने के बाद जो उसके सांस से सांस इसकी टकराई, उन सांसों को यह याद कर रहा था। गंगा की धार में छोटे छोटे दीपक बह रहे थे और घाट आकाश दीपों से जगमगा रहा था। मोहन बाबू ने मनोरमा से इसके बारे में पूछा, प्रत्युत्तर में मनोरमा ने इसे गंगा की पूजा बताया। मोहन बाबू ने पूछा, आखिर इस गंगा में यह दीपदान क्यों किया जाता है, सैकड़ों दीपे क्यों जलाई जाती हैं? मनोरमा ने बताया कि यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और लोग गंगा पूजा करते हुए इसमें दीपदान करते हैं, क्योंकि उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। पर मोहन बाबू के विचार में यह जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत था। जिस तरह छोटी छोटी दीपें गंगा की धारा में प्रवाहित होकर अनंत में मिल जाती हैं, उसी तरह यह जीवन के छोटे छोटे टुकड़े, छोटी छोटी घटने वाली घटनाएं, छोटे छोटे व्यवहार इस अनंत सागर में, इस संसार के अनंत सागर में बहा दिए जाते हैं। लेकिन यह कहते ही मोहन बाबू के मन में, मोहन बाबू के स्वरों में उत्तेजना आ गई। मनोरमा ने पुनः मुझसे धीरे से कहा, यानी राम निहाल जो श्यामा को कहानी सुना रहा था, राम निहाल ने बताया कि मनोरमा ने पुनः उससे धीरे से कहा कि आप देखते हैं ना, यानी वह यह पुष्ट करना चाहती थी कि मोहन बाबू पागल हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इनके व्यवहार को देख रहे हैं ना, किस तरह का प्रश्न पूछते हैं और किस तरह प्रश्न पूछने के क्रम में इनके अंदर उत्तेजना जग जाती है, यानी हमें लग रहा था कि शायद वह मेरे मन में उसे पागल होने की बात पर मोहर लगा रही हो। पंचगंगा घाट के समीप पहुंचने पर मनोरमा ने बांसों में टंगे दीपकों के बारे में उनके विचार जानने चाहे। अब भाई मनोरमा की थी, इसलिए मनोरमा ने मोहन बाबू से जानना चाहा कि यह जो बांस पर टंगा हुआ दीपक है वह किस बात का संकेत है। मोहन बाबू ने उत्तर दिया, यह आकाश असीम है, जीवन द्वीप के उसी ओर आने का यह भी संकेत है, यानी हमारा जीवन जब हम मृत हो जाएंगे तो मेरी आत्मा इस असीम आकाश में समा जाएगी,
क्या करिया हाँपते हुए बोले कि मेरी मानसिक परेशानियों में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जब हम मानसिक रूप से परेशान थे, जब हमें अपनी पत्नी की अविश्वसनीयता का दंश झेलना पड़ रहा था, उस समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उस समय लोगों ने मुझे पागल बताया। अब मुझे निष्कपट प्यार की आवश्यकता है, जो शायद तुमसे नहीं मिल सकती। यह सुनते ही मनोरमा घबरा गई और उसने पति से चुप रहने और तबीयत बिगड़ने की बात कही। बच्चों, यहाँ तक आपने मनोरमा और मोहन बाबू के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अब शेष फिर कल। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।